बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाजमी से लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान, बेल आइकॉन लाजमी, और इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी आएँ, इसलिए आप लाजमी से बेल आइकॉन ऑन कर लें। दोस्तों ये जो मेरे पास पार्ट्स पड़े हुए हैं ये आपके लिए वेल नोन, किसी के लिए होंगे किसी के लिए नहीं होंगे, मोटरसाइकिल के CDIs हैं। ये तीन जो हैं ये आम मोटरसाइकिलों पे लगते हैं, ये चौथा जो है ये रक्षों पे भी लगता है, कुछ मोटरसाइकिलों में भी आता है। ये DC CDI है, ये सारे AC CDI हैं। ये तीन जो हैं ये छोटे वाले, ये अगर इनके आप इनको इसको आपस में रिजेंबल करें तो ये बहुत हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कनेक्टर बिल्कुल एक जैसे हैं, बाकी ये बनावट भी एक जैसी है, लेकिन ये बड़ा है ये छोटा है। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल एक छोटा सा है और एक काफ़ी बड़ा है। ये वाला बड़ा है, ये DC CDI है, ये छोटा जो है ये AC CDI है। AC CDI और DC CDI में क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये होता है कि मोटरसाइकिल के सिस्टम से 300 वोल्ट्स, 400 वोल्ट्स जो कि 0 से लेकर 400 वोल्ट तक जो पैदा होते हैं वो इस CDI के एक पिन को डायरेक्टली दिए जाते हैं। और फिर ये CDI का एक फंक्शन है जो कि मैंने अपने किसी वीडियोज़ में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, सर्किट डायग्राम्स की मदद से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है इनकी। इसके अलावा रिपेयर की वीडियो मौजूद है, टेस्टिंग की वीडियो मौजूद है इस CDI के ऊपर। लाजमी से आप देखिए, इस तरह का एक CDI मैंने उसमें ट्रबल शूट भी किया था, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने का तरीका मैंने बताया था, और इसके अलावा इसको रिपेयर भी किया था। तो वो वीडियो लाजमी से देखिए, आपको बहुत उससे फ़ायदा मिलेगा। जो बड़ा CDI है DC वाला, इसमें ये होता है कि एक पिन इसकी पॉजिटिव 12 वोल्ट होती है, 12 वोल्ट पॉजिटिव इसको दिए जाते हैं। इसके अंदर एक इन्वर्टर होता है जो कि 400 वोल्ट बनाता है, 400 वोल्ट पे कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है, और उसको फिर ये CDI के फंक्शन के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है कॉयल में, इग्निशन कॉयल के अंदर, और तब ये इग्निशन करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे मोटरसाइकिल 400 वोल्ट बनाता है, इधर एक इन्वर्टर जो है वो 400 वोल्ट बना रहा होता है इसके अंदर। बाकी फंक्शन एक इनका एक जैसा है, ख्वाह ये बड़ी वाली है ख्वाह ये छोटी वाली है, फंक्शन इनका एक जैसा होता है। ये कुछ कारों में भी लोग लगाते हैं आजकल, कार में भी जो कारों में ये मैग्नेटिक सिस्टम होता है, पॉइंट सिस्टम होता है, उनको चेंज करके लोग ये CDI उसमें लगाते हैं, और बहुत अच्छे से फंक्शन करता है, बहुत प्रॉपरली फंक्शन करता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती। और थ्री व्हीलर रक्षों में और इसके अलावा कुछ मोटरसाइकिलों में भी ये लगा होता है, बहुत काम की चीज़ है। अच्छा दोस्तों, ये जो है ये ओरिजिनल CDI है जापान का, थोड़ा सा मैं आपको इसको दिखाता हूँ। ये नहीं कि इसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है, इस वजह से कवर हर एक के ऊपर होता है, मुझे मोटरसाइकिल का ही पार्ट है ये कवर। बहरहाल इसको मैं थोड़ा सा कवर अगर इसमें से हटा लूँ तो फिर मैं आपको इसको नीचे से दिखाता हूँ किसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप देख सकेंगे इसको। बाकी CDI को देख लीजिए, बहुत अच्छा यूनिट है, ये जापानी है, ये देख लीजिए मेपल जापानी है, ये ओरिजिनल चीज़ है, और बिल्कुल ठीक भी है, ये सही है फंक्शन में। ये मैंने चेक किया था मोटरसाइकिल पे, और ये ब्लैक है, ये देखें यहाँ पे इसका ब्लैक एक ख़ास किस्म का कंपाउंड इन्होंने भरा हुआ है, और ये यहाँ पे खोलना बहुत मुश्किल होता है, तकरीबन नामुमकिन के करीब होता है, अगर आप खोलेंगे तो इसके सर्किट वगैरह को आप डैमेज कर देंगे। बहरहाल यहाँ से सर्किट बोर्ड विजिबल होता है कुछ CDI में, मैं आपको करके दिखाऊँगा, रिपेयर करके दिखाएंगे। बोर्ड के ऊपर कभी कभी फॉल्ट्स आ जाते हैं, वो हम रिपेयर करते हैं। बहरहाल ये चीज़ थी, ये ओरिजिनल जापान का है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का CDI है। उसके बाद नेक्स्ट, ये लोकल है चाइना का, और बिल्कुल गुजारा चीज़ है। इसमें ये देखें, ये इसमें थायरिस्टर स्विच आपको नज़र आ रहा है अंदर, ये कैपेसिटर है इसका जो कि चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है, ये कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, बाकी इसका सर्किटरी है, बाकी पिन कनेक्शन बिल्कुल एक जैसे हैं इन दोनों के, ये देखें एक जैसे कनेक्शन है। अच्छा अगला CDI ये छोटा वाला है, ये कल्फ का है, ये देख लें चार कल्फ, और इसके ऊपर कुछ वो डेट वगैरह भी इन्होंने मेंशन की हुई है, और इसका कनेक्टर जो है ये 5 पिन का है, ये देखें 5 पिन का कनेक्टर है। ये छोटे स्कूटरों में और छोटी मोटरसाइकिलों में बहरहाल आजकल यही लगा होता है, और पहले ये वाला आता था 1 to 5 वगैरह में, ये CDI आता है, ये ओरिजिनल में ये आता है, और जो रेट्रोफिट है चाइनीज़ काउंटर पार्ट वो ये है। बाकी ये रक्षे का CDI है, जैसा कि मैंने आपको बताया था DC CDI, DC पावर 12 वोल्ट दी जाती है, और यहाँ पे इसका किल स्विच इसमें नहीं होता, इसमें किल भी होता है, इसके एक पॉइंट को किल करने के लिए, इंजन को बंद करने के लिए इसको किल को ग्राउंड कर दिया जाता है, इसमें किल नहीं होता, 12 वोल्ट बंद कर देंगे तो ये खुद ब खुद किल हो जाता है। इस तरीके से इसका फंक्शन होता है, किसी जगह पर मैं आपको डायग्राम के जरिए पूरी डिटेल के साथ इसकी तफसीली वीडियो मैं आपको दूंगा, इसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं चढ़ाई तो वीडियो दूंगा, इसके अलावा इसको कभी टेस्ट भी करेंगे टेबल के ऊपर, इसका टेस्ट भी लेंगे कैसे ये काम करता है, कैसे ये इग्निशन बनाता है, सब कुछ इसका डिटेल मैं आपको यहाँ पे सिमुलेशन के ज़रिए दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये थी डिटेल CDI के बारे में, थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बता दी। बाकी उम्मीद करते हैं कि वीडियो में से आप इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, अगर इस वीडियो में से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटी का निशान लाजमी, देखते रहिए, शुक्रिया।